जो होता है घर के बंद कमरे में होता है, देर रात को। संभावना है तीन में से कोई एक करता है दो बेखबर, या कोई दो करते हैं एक बेखबर, या तीनों मिलकर करते हैं। और यह भी मुमकिन है कि किसी बाहर वाले से करवाते हैं, किसी चौथे से। पर यह नामुमकिन है कि तीनों में से कोई कुछ भी नहीं जानता। बेटा, अब ललित, ललित को आंख खुलते ही चाय पीनी पसंद थी। रोज उसके कमरे में सुबह मैं ही चाय लेकर जाती हूँ। आज भी मैं उसके कमरे में अंदर गई तो ललित, अम्मा, ललित भैया, भैया हॉस्पिटल, भैया को हॉस्पिटल लेना पड़ेगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू ही रुक, मैं और अम्मा जाते हैं ललित भैया को हॉस्पिटल लेके, ठीक है? डॉक्टर साहब, सॉरी, पेशेंट डेड ऑन अराइवल था। डेड ऑन अराइवल? हाँ, घर पर ही या रास्ते पर मौत हो चुकी थी। ये पुलिस केस है। मैंने दरवाजा खोला जरूर, पर मुझे ये याद दिया कि दरवाजा पहले से खुला था या बंद। आपकी सास शांति जी, उन्होंने कुछ बताया आपको? कुछ देखा था उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं बताया। जब अम्मा की आवाज आई तो मैं और चंदन अम्मा के कमरे की तरफ भागे, तो फिर लगा कि आवाज ललित भैया के कमरे से आ रही है, तो हम उनके कमरे में गए और देखा ललित भैया खून में लथपथ थे, चारों तरफ खून था और अम्मा पास में खड़ी हुई थी। फिर चंदन ने ललित भैया को उठाया हॉस्पिटल ले जाने के लिए और मैंने दौड़कर दरवाजा खोला। पर आपने नोटिस नहीं किया कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है? हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का कहना है कि ललित की मौत उसे हॉस्पिटल में लाने से पहले ही हो चुकी थी। जब आपके हस्बैंड चंदन मलिक ने ललित को उठाया, क्या उस वक्त उसकी मौत हो चुकी थी? मुझे नहीं पता। जयदीप, गीता, पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो और घर के बाहर भी देखना, हो सकता है मर्डर वेपन कहीं छुपाया गया हो। सर, टाइम ऑफ डेथ रात के 1 से लेकर 3 के बीच में हुआ होगा। बॉडी यहां सुबह 7:15 बजे लाई गई। नहीं, झड़प के कोई निशान नहीं है, पर एक बात है, इनका चेहरा ढका गया था ताकि मुंह बंद रहे और वो शोर न मचा सके। जी, विक्टिम को जब यहां लाया गया था उसका चेहरा देख के ऐसा ही लगा था। डॉक्टर, क्या ये पॉसिबल है कि विक्टिम को रात को सोने से पहले नींद की गोलियां दी गई और कत्ल के वक्त शोर नहीं मचा पाए? इसके लिए मुझे ब्लड स्ट्रीम की डिटेल्ड एग्जामिनेशन करवानी पड़ेगी, क्योंकि रेगुलर टेस्टिंग में। गीता, अजीब नहीं है?
किसी ने दरवाजे के थोड़े से गैप से ही इस कुंडी को काट दिया। लगता तो ऐसे ही है सर, किसी पतले से कटर का इस्तेमाल हुआ होगा। पर घर के किसी भी मेंबर ने कुछ सुना कैसे नहीं? सर, विक्टिम ललित मलिक को कार में हॉस्पिटल ले जाया गया था। एक बार कार चेक करके देखें, शायद उसमें कुछ मिले। सर, फैमिली ने हॉस्पिटल ले जाने के पहले विक्टिम ललित मलिक को चेक नहीं किया कि वो जिंदा था या मर गया था। क्यों? कहीं हॉस्पिटल ले जाना सिर्फ एक बहाना तो नहीं था ताकि रास्ते में वो मर्डर वेपन को फेंक सके? ललित भैया इतने जख्मी लगे, इतना खून बह रहा था कि मुझे लगा कि तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तब तक उन्हें मरे हुए 4 घंटे हो चुके थे चंदर, तुमने ये भी चेक नहीं किया? उस समय कुछ सोच नहीं रहा था, न मुझे, न मेरी माँ को, न मेरी पत्नी को, बस जो ठीक लगा वो किया। शांति, जिस वक्त आप ललित के लिए सुबह चाय लेकर गई थी, उस वक्त आपके घर के मेन दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी, आपने वो नहीं देखी? रोज सुबह ललित के कमरे में चाय लेकर जाना, ये मेरा रोज का काम था। घर के दरवाजे पे मेरा ध्यान ही नहीं गया और अंदर ललित, मेरा बेटा, ऐसी हालत में पड़ा था साहब, मुझे कुछ सूझा ही नहीं। शांति जी, ललित पर 8 बार गहरे वार किए गए, आप लोगों में से किसी ने कुछ नहीं सुना? बिल्कुल भी नहीं सर, हम तीनों गहरी नींद में थे। इतनी गहरी नींद में कि कोई तुम्हारे घर के अंदर दाखिल हुआ और तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मेन डोर की कुंडी को काटा गया, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे बड़े भाई पर बुरी तरह से 8 बार वार किए गए और तुम्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया? हम भी यही सोच रहे हैं सर, ये सब कैसे कैसे हो गया? और आपने भी कुछ नहीं सुना? जी नहीं। कल रात कोई आया था, मेहमान कोई? जी नहीं। जब चंदर ललित की लाश को उठाकर कार की तरफ ले गया तो आपने घर के बाहर का दरवाजा खोला था, ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको वो टूटी हुई कुंडी दिखाई न दी हो? मैंने आपको पहले भी बताया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। चंदर ने ललित भैया को उठाया, अम्मा भी उनके पीछे पीछे आ रही थी और मैं बस गई, दौड़ के दरवाजा खोल दिया। आपके पति चंदर और आपकी सास शांति जी दोनों अस्पताल गए, आप नहीं गई? क्यों? मेरे पति ने मुझे घर पे रुकने के लिए कहा था। क्यों? पता नहीं। विक्टिम के अलावा घर के अंदर 3 लोग और थे, पर किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। सब कुछ घर के अंदर ही किया गया हो सकता है सर। घर को बड़ी बारीकी से तलाशा गया लेकिन एक भी एविडेंस ऐसा नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये घरेलू मामला है। एक भी एग्जिबिट हाथ नहीं लगा सर, और 8 बार स्टैबिंग हुई ललित की, ये किसी एक आदमी का काम नहीं लगता सर। संभावना है 3 में से कोई एक करता है 2 बेखबर, या 2 करते हैं कोई एक बेखबर, या 3ों मिलकर करते हैं, और ये भी मुमकिन है कि किसी बाहर वाले से करवाते हैं, किसी चौथे से, पर ये नामुमकिन है कि 3ों में से कोई कुछ भी नहीं जानता। जयदीप, एक काम करो, ललित के छोटे भाई चंद्र मलिक और चंद्र की पत्नी निशा और उसकी माँ शांति, तीनों को चिट्ठे निकलो। गार्डन में जो बच्चों के खेलने के झूले वगैरह होते हैं ना, वो उनकी बनाने की फैक्ट्री थी ललित भैया की। शुरुआत बहुत छोटे से यूनिट से हुई थी लेकिन अब अच्छी खासी फैक्ट्री है। सर, मैं शीतल मेहरा, इस फैक्ट्री की मैनेजर। सुबह सुना ललित जी के बारे में, उन्हीं के घर जा रही थी जब आपने फ़ोन किया था। ये ललित मलिक इस फैक्ट्री के अकेले मालिक थे? जी सर, जहाँ तक मुझे मालूम है वही इस फैक्ट्री के सोल प्रोप्रेटर थे। कल रात को ललित मलिक का अपने ही घर में कत्ल हुआ? जी सर, मैंने सुना। अच्छा, ये ललित जी का भाई चंदर, माँ शांति और चंदर की पत्नी निशा, इन 3ों में से ऐसा कौन है जो ललित जी को मार सकता है, और क्यों?
सर, मैं सिर्फ फैक्ट्री मैनेज करती हूँ, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। तो कोई और ऐसा है जो ये चाहता हो कि ललित जी का अंत इतना भयंकर हो? मुझे सच में नहीं पता है सर। जी, सुना आपने, रुझानपुर वाले ललित मलिक का मर्डर हो गया। क्या बात कर रही है रजनी? हाँ, बाजार में तो यही बात चल रही है। कैसे हुआ माँ? पता नहीं कमल, बस सुना मैंने। संध्या, सब्जी ले जा। ये मर्डर हुआ कब रजनी? सभी यही कहते हैं कल रात को हुआ। ललित और चंद्र मलिक के पास कुल मिलाकर 45 एकड़ खेत। तो ये सारे खेत चंद्र संभालता है? पहले कप्तान मलिक साहब थे, इन दोनों के पिता। चंद्र हाथ बटा दिया करता था, पर पिछले 3 साल से चंद्र ही सारा काम संभाल रहा है, जब से कप्तान मलिक साहब गुजरे। तो ललित कभी खेत पर नहीं आता था? आदमी फैक्ट्री संभालेगा या अपने खेत में काम करेगा? ललित ने अपना बिजनेस पहले से कर रखा। लेकिन दोनों भाइयों में बड़ी अंडरस्टैंडिंग दिखती थी, झगड़े वगड़े की अफवाह भी नहीं रही। वो कहते ना जी, सुखी परिवार। सुखी परिवार में कत्ल हुआ है घर के अंदर, वो भी रात के वक्त, जब सुखी परिवार के सारे लोग इतनी गहरी नींद में थे कि ना तो किसी ने कुछ सुना और ना ही देखा। सिस्कों साहब, सारे गांव में सबकी जुबान पे एक ही बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि घर में कोई ये सब कर जाए और किसको पता ना चले। दाल में कुछ काला तो नहीं साहब? गाँव में से कोई? हाँ, गाँव में से कोई। हो सकता है जो भी आया हो गाँव का ही हो, या फिर बुलाया गया हो ये काम करने के लिए। गांव में से कोई क्यों करेगा भला? कहीं आपका इशारा इस तरफ तो नहीं है कि चंद्र ने या उसकी बीवी ने या उसकी माँ ने किसी को बाहर से बुलाया हो ललित का कत्ल करने के लिए? ललित के मरने से उसकी फैक्ट्री और उसके हिस्से की जमीन किसे मिलेगी? वैसे तो ललित की पत्नी है, एक बेटा भी है। पत्नी और बेटा? जी। ये दोनों कहाँ थे? ना तो ये घर पे थे और ना ही क्रियाकर्म पे आए, बल्कि मलिक परिवार ने तो इस रिश्ते का जिक्र भी नहीं किया। रिश्ता टूट चुका गया था, ललित और उसकी पत्नी दोनों अलग रहते थे, और अब सुना है कि वो अपने बेटे के साथ चंडीगढ़ में गए। नारायण आए वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वासुनाथ वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयम्। आशु, चले बेटा। खा लिया आपने? वेरी गुड। ललित भैया और सुधा भाभी कुछ 8 साल पहले अलग हो गए थे। क्यों अलग हुए थे? सुधा भाभी बैंक में जॉब करती थी, जब उनका ट्रांसफर चंडीगढ़ हुआ तो वो भैया को छोड़कर चली गई। उनके डिवोर्स का केस अब भी चल रहा है। 8 साल से? नहीं, 8 साल से नहीं सर, 2 साल पहले डिवोर्स के लिए एप्लीकेशन डाली गई थी, जो अभी भी कोर्ट में। गुड मॉर्निंग सुधा। गुड मॉर्निंग दीपक। जल्दी चलो, नैयर सर मीटिंग के लिए बुला रहे हैं। तुम चलो, मैं 2 मिनट में। फैक्ट्री तो शायद पूरी की पूरी सुधा के बेटे आशीष को जाएगी, लेकिन 45 एकड़ में से कितनी जमीन सुधा और उसके बेटे आशीष के नाम होगी? इसमें कोई गड़बड़ गफला नहीं है सर, आधी जमीन मतलब 22.5 एकड़ जो भैया के हिस्से की है उनकी फैमिली को मिलेगी, और आधा हिस्सा प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में मिलेगा, जो एक्चुअली उसमें आधा इन्वेस्टमेंट हमारे पिताजी ने किया था। किंडर प्ले इक्विपमेंट्स फैक्ट्री में मिलेगा, जो एक्चुअली उसमें आधा इन्वेस्टमेंट हमारे पिताजी ने किया था। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि फैक्ट्री का आधा हिस्सा तुम्हारा होगा, राइट? जी सर। तो महज फैक्ट्री के आधे हिस्से के लिए तुमने अपने बड़े भाई की जान ले ली? शांति देवी जी, क्या आपको इस बात का पता था कि आपका छोटा बेटा चंद्र आपके बड़े बेटे ललित का कत्ल करने वाला है? क्या? अब आप हमें ये बताइए, क्या आप भी साजिश में शामिल थे? ललित मेरा बेटा था, बड़ा बेटा,
और चंदर उसे कैसे मार सकता है? ये क्या सवाल कर रहे हैं आप? ये कैसा बेहुदा सवाल कर रही हैं आप? पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। चंदर ने अकेले मारा उसे या किसी को बुलाया था? कौन शामिल था उसके साथ इस साजिश में? तुम्हारी सास या फिर तुम खुद निशा? मैं ऐसे सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। घर के अंदर कत्ल हुआ, तुम्हारे बगल वाले कमरे में, और तुम कहती हो कि तुमने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं? जी नहीं। आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मेरा छोटा बेटा अपने बड़े भाई का कत्ल करेगा, और वो भी जमीन और फैक्ट्री के लिए? ऐसा पहली बार तो नहीं होगा, अगर हुआ है तो। और आपके केस में हमें आप तीनों पर शक है कि आप तीनों ने मिलकर साजिश रची, बाहर से किसी चौथे को बुलवाया और कत्ल कर दिया ललित का। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं बुलाया। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो, आप गांव में जाकर किसी से पूछ लीजिए। सर, हर कोई यही कहेगा कि हम दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था, कोई अनबन नहीं थी। हम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजार रहे थे। लेकिन ललित मलिक शादीशुदा था, उसका एक बच्चा है, ये पहले क्वेश्चनिंग में क्यों नहीं बताया? क्या बताता सर, ललित भैया सुधा भाभी और आशीष से पिछले 8 साल से नहीं मिले थे। दोनों के बीच में कोई बातचीत भी नहीं थी, ना कोई फोन ना कुछ। दरअसल उन दोनों का होना या ना होना हमारे परिवार के लिए कोई मायने नहीं रखता सर। लेकिन ललित मलिक का इस दुनिया में होना ना होना तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ललित मलिक के इस दुनिया में ना होने से तुम अब बहुत फायदे में हो। आप शायद देख नहीं पा रहे सर, लेकिन सच्चाई यही है कि भैया के जाने के बाद से मैं बहुत दुखी हूँ। वो मेरे भाई थे, मेरे दोस्त की तरह थे, हमारे बीच में बहुत प्यार था। और आप जो इल्जाम लगा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। सलाम साहब, छोटा सा गांव है ये रुझानपुर, दाल में हल्का सा भी काला होता तो बातें होती, पर हर कोई यही कहता है कि ललित मलिक भला आदमी था, फैक्ट्री में भी लोग यही कहते हैं। तो फिर दाल जली कैसे गोभी? भले आदमी का कत्ल हुआ है मतलब कोई ना कोई बुरा आदमी ज़रूर है। अब ये बुरा आदमी इस गांव से है या बाहर से बुलवाया गया है, इसका पता लगा? जतिन, रुझानपुर से लेकर पानीपत तक जितने हिस्ट्री शीटर्स हैं, मुझे सबकी हिस्ट्री चाहिए उस रात की जब कत्ल हुआ था, सबके सब। ठीक है मैडम, लग जाता हूँ। अम्मा, चंदर, क्या आप लोगों ने सच में कुछ नहीं सुना? हद है कोमल, तू भी हमसे पुलिस वालों की तरह पूछताछ कर रही है। नहीं चंदर, मतलब मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है, घर के अंदर कमरे में ऐसे ललित भैया को आकर कौन मार सकता है? यकीन तो हमें भी नहीं होता है कि कोई ये सब कैसे कर गया, लेकिन जिस तरह से तू बात कर रही है ना, उससे तो यही लगता है कि मानो तुझे शक है कि भैया को हमने मरवाया। इतना तो तय है कि इस कत्ल को कम से कम 2 लोगों ने अंजाम दिया होगा। क्या कोई बाहर से आया होगा या ये इनसाइड जॉब है? चंदर मलिक, उसकी पत्नी निशा मलिक और माँ शांति मलिक, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स को बारीकी से स्कैन कर चुके हैं सर। हर एक कॉल को स्टडी किया गया है। और इन सारे कॉल्स में से कोई भी कॉल ऐसा नहीं है जो किराए के हत्यारों को किया गया? जी नहीं सर, मेरे खबरी गाँव में गहराई तक पता कर चुके हैं। इन दोनों भाइयों के बीच अनबन की कोई अफवाह तक नहीं फैली है सर गाँव में। सर, जिले के हर एक हिस्ट्री शीटर की मूवमेंट रिपोर्ट निकलवाई, रुझानपुर के आसपास कोई भी नहीं था। तो फिर वो कौन सा एंगल है जो हमें नजर नहीं आ रहा, और ये फैक्ट इस केस पर तलवार की तरह लटक रहा है कि घर के अंदर इतना भयानक कत्लेआम होता है और घर वाले ब्लैंक। सर, हमारे 3 सस्पेक्ट्स हैं, चंदर, उसकी पत्नी निशा और उसकी माँ शांति। ऐसा हो सकता है कि इनमें से 2 लोग मर्डर में शामिल थे और तीसरे को मालूम ही ना था। लेकिन फिर सवाल यह है कि वो 2 लोग कौन हैं जो इस कत्ल में शामिल थे, और वो तीसरा कौन है जो इस सब से पूरी तरह से बेखबर है? क्या ये मुमकिन है कि ललित जैसे हट्टे कट्टे आदमी को निशा बेड में दबोच कर रख पाई हो बिना किसी शोर शराबे के, या फिर चंदर ने दबोचा और निशा ने वार की? हर एक वार काफी गहरा था सर,
काफी ताकत लगी होगी ऐसे 8 बार करने में। क्या निशा ऐसा कर पाती? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाती। तो फिर क्या चंदन ने ये सब अकेले किया? लेकिन अगर चंदन अकेले करता तो पहले ही वार के बाद ललित चिल्लाता। अगर चंदन मलिक ये सब अकेले करता तो ललित जरूर फाइट बैक करता, दोनों में झड़प होती और इस झड़प से चंदन मलिक को चोट भी पहुंचती। चोट ना सही, कम से कम कोई छोटी मोटी खरोंच तो आती। राइट सर, और इस झड़प से काफ़ी आवाज़ें भी होती जो बगल के दोनों कमरों में निशा मलिक और शांति मलिक दोनों को सुनाई देती। क्या ऐसा हो सकता है सर कि तीनों ललित के कमरे में थे और मिलकर ललित को मार डाला? चंदर ने निशा को घर पर ही रहने को कहा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। अरे तू ये रुक। मेरे पति ने मुझे घर पे रुकने के लिए कहा था। शायद निशा को मर्डर वेपन ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी दी गई होगी और क्राइम सीन को साफ करने को कहा गया होगा। उसे वक्त भी मिला क्योंकि चंदर और शांति लाश को पहले लेकर हॉस्पिटल गए और उसके बाद उन्होंने हमें खबर दी। घर के मेन दरवाजे की कटी हुई कुंडी, क्या ये हमारी तहकीकात को गुमराह करने की कोशिश हो सकती है? शायद ये दिखाने के लिए कि घर के अंदर बाहर से कोई आए। या हो सकता है सर वाकई में किसी को बाहर से बुलाया हो। शांति, चंदर और निशा के कहने पर उसने कत्ल कर दिया। लेकिन सर प्रॉपर्टी के अलावा कोई क्लियर मोटिव भी तो नहीं बन रहा इन तीनों का। ललित मलिक की एक्स वाइफ सुधा, क्या वहां से कोई एंगल निकल सकता है? वो चंडीगढ़ में सेटल्ड है सर। बात करो उससे। इस एक्स वाइफ वाले एंगल को जरा गहराई से टटोलते हैं। जमीन और फैक्ट्री में ललित मलिक का हिस्सा तगड़ा मोटिव हो सकता है। अब ये मोटिव जिसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता होगा वही इस साजिश का पर्दाफाश करेगा। हाय। हाय। सो, क्लाइंट के साथ मीटिंग कैसी रही? अच्छी रही। थोड़ा सा हिचकिचा रहा था इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर मैंने कन्विंस कर लिया। होप फॉर द बेस्ट। ब्रिलियंट। कॉफी? टू कॉफी। क्लियर सा मोटिव लग रहा था। ललित की जमीन का हिस्सा और उसकी अपनी मेहनत से खड़ी की हुई प्लेग्राउंड इक्विपमेंट्स की फैक्ट्री जो काफी अच्छी चल रही थी। शक की सुई पूरी मजबूती से घर के 3 सदस्यों पर टिकी हुई थी, पर बाहर के दरवाजे की टूटी कुंडी किसी बाहर वाले की तरफ भी इशारा कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ी, उठने वाला हर एंगल घूम फिर कर घर वालों पर ही साया फेंक रहा था जिन्होंने शायद किसी बाहर वाले की मदद ली थी। कोमल भी हम पर शक कर रही है। साहब जी, बड़ी मशक्कत के बाद 2 खबरें निकलवा पाया हूँ। जल्दी से बता दे गोविंद। पहली बात यह है साहब जी कि 13 अक्टूबर की रात से इस रुझानपुर गांव का एक बंदा गायब है। नाम? कोई आलोक शर्मा है। आलोक शर्मा की सारी डिटेल चाहिए मुझे। अब दूसरी खबर बता गोविंद। साहब 45 एकड़ जमीन की बात थी तो मैं जमीन रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया। गड़बड़ है कागजात में? नहीं साहब, पेपर तो सारे करेक्ट हैं। बस इतना पता चला कि इस ललित के हिस्से में जो 22.5 एकड़ जमीन थी उसमें से 5 एकड़ जमीन इसने अपनी छोटी बहन कोमल के बेटे देव के नाम पे किया है। शक करने का कारण क्या? इस देव की उम्र है 12, उसी उम्र का ललित का खुद का बेटा है आशीष, उसके नाम पे कुछ नहीं किया गया और चंदन ने भी अपनी बहन को कुछ नहीं दिया अपने हिस्से में से, बस इसलिए थोड़ा सा कुछ खटका। सुधा मलिक जी, मैं ही हूँ। कही आप आपके हस्बैंड, मेरा मतलब है एक्स हस्बैंड ललित मलिक के क्रियाक्रम पर आई नहीं? जैसे कि आपने अभी कहा मैडम, वो मेरे एक्स हस्बैंड। कानून ने अभी तक एक्स करार नहीं दिया है उन्हें, डिवोर्स केस चल रहा है आपका। आपके बेटे आशीष को भी नहीं भेजा आपने मुखाग्नि देने के लिए? देखिए मैडम, कानूनी रिश्ते सिर्फ पेपर पर होते हैं। पिछले 8 सालों से मेरा मिस्टर ललित या मलिक फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं रहा है। लेना देना तो है मैम, अच्छी खासी जमीन और अच्छी खासी चलने वाली कंपनी में 50% स्टेक कानूनी तौर पर आपका और आपके बेटे का बनता है। मैम, एक टॉप बैंक में मैं एक सीनियर इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हूँ।
अच्छी खासी सैलरी है मेरी, फाइनेंशियली अपना और अपने बेटे का फ्यूचर सिक्योर कर रखा है, इसलिए कभी एक पैसे की उम्मीद नहीं की मैंने मिस्टर मलिक से। आप दोनों अलग क्यों हुए थे? सॉरी, थोड़ा पर्सनल है, नहीं शेयर करना चाहती। एक आदमी की मौत हुई है। पर वो आदमी हमारे लिए 8 साल पहले ही मर चुका था। आपके इमोशनल इतिहास के पन्नों पर वो मर चुका होगा ऑन पेपर, पर अब कानूनी तौर पर ललित मलिक का मर्डर हुआ है और आप हमारी सस्पेक्ट हैं सुधा जी। ओके, तो डिवोर्स का कारण ये था कि मुझे चुनाव करना था मिस्टर मलिक में और करियर में। मैंने करियर चुना। डिटेल में बताइए। मैम, मेरी जब ललित से शादी हुई थी तब मैं सिर्फ 21 साल की थी। 13 साल पुरानी बात है। उस समय मेरी पोस्टिंग रुझानपुर ब्रांच में थी, फिर आशीष पैदा हुआ, उसके बाद चंडीगढ़ ट्रांसफर का ऑफर आया जिसका मैं एक अरसे से वेट कर रही थी। आप चंडीगढ़ को बिलोंग करती हैं? जी नहीं, पर हमेशा से बिलोंग करना चाहती थी और यहाँ पर मेरी पोस्टिंग भी एक सीनियर ऑफिसर के लेवल पर हुई थी। पर ललित ना ही मेरे साथ यहाँ आना चाहते थे, ना ही मुझे आने देना चाहते थे। लड़ाइयाँ हुई? खूब। ललित चाहते थे कि मैं जॉब छोड़कर घर संभालूं, उनके पेरेंट्स की सेवा करूं, देखभाल करूं, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल था। तो मैंने सोच समझकर उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। कोई और इशू नहीं था आप दोनों के बीच? पति पत्नी के बीच बहुत सारे इश्यूज होते मैम, पर आप ऐसा कौन सा इशू कुरेद कर निकलवाना चाहती? पुश्तैनी जमीन या फिर फैक्ट्री? और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे उसका कभी कोई लालच नहीं था और लकीली ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं। आप दोनों 8 साल पहले अलग हुए थे। जी। लेकिन डिवोर्स के लिए 2 साल पहले क्यों फाइल किया? क्योंकि हम दोनों ही अपने अपने कामों में बिजी थे, पर बेटा बड़ा हो रहा था। सो 2 साल पहले हमने आपसी सहमति से डिवोर्स फाइल किया। आजकल में ग्रांट भी हो जाता। इन सारी बातों से अगर आप ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ललित मलिक के मर्डर में मैं इन्वॉल्व हूँ, सो आई एम रियली सॉरी, आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रही। ज़ाया तो ज़मीन जा रही थी, आपके बेटे आशीष की हक की ज़मीन में से 5 एकड़ आपकी ननद कोमल के बेटे देव को दे दी गई। इन 8 सालों में ललित मलिक आशीष से एक भी बार नहीं मिला। उसके नाम जमीन करना तो दूर की बात है, ये बात किसी को भी खटकेगी। बिल्कुल खटकेगी, पर उन्हें जो इसके मोहताज, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मेरे लिए ये चैप्टर 8 साल पहले ही बंद हो चुका है, आज भी बंद है और आगे भी बंद रहेगा। सुधा के फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखते हैं कोई और एंगल निकलता है। यस सर। और हाँ, सुधा की डिवोर्स प्रोसीडिंग के भी सारे पेपर निकलवाओ। 8 साल से लग रहे म्यूचुअल डिवोर्स की बात कह रही है, लेकिन डिवोर्स का केस अदालत में 2 साल से लटका हुआ। पता करते हैं नहीं कोई बार्गेनिंग तो नहीं चल रही थी जमीन या फैक्ट्री को लेकर। ओके सर, और सुधा की पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स मैं खुद निकालती हूँ सर। क्या बात है, बहुत डाउन लग रही हो, एनी प्रॉब्लम? लेकिन क्यों, मेरा अपना भाई अपने इकलौते भांजे के नाम जमीन गिफ्ट क्यों नहीं कर सकता? वैसे इस गिफ्ट का ललित भैया के मर्डर से क्या ताल्लुक है सर? ताल्लुक क्यों नहीं हो सकता कोमल जी? हो सकता है आपके ललित भैया ने जो जमीन का टुकड़ा गिफ्ट के तौर पर आपके बेटे देव को दिया, वो गिफ्ट आपकी भाभी सुधा के दिल में कांटे की तरह चुभा, जिससे ललित डिवोर्स लेने वाला था। आप ना सर, पूरे गलत रास्ते पर जा रहे हैं। ललित भैया को सुधा भाभी सालों पहले छोड़कर चली गई थी और फिर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। भैया ने भी आशीष का चेहरा इन सालों में एक बार भी नहीं देखा। हो सकता है ना देखा हो, लेकिन कोमल जी अदालत तो देखती है। अदालत देखती है कि क्या जायज है, किसका हक बनता है, किसका नहीं बनता। मुझे नहीं पता आपका क्या इशारा है सर। हमारी पुश्तैनी जमीन में से 5 एकड़ भैया ने मेरे बेटे के नाम की, अपनी मर्जी से की। मैंने उनसे एक बार भी नहीं मांगा। कोमल जी, ये आलोक शर्मा कौन है? आलोक शर्मा? जी, आलोक शर्मा आपके मायके रुझानपुर से ही है, शायद शादी से पहले आप उसे जानते हैं। आलोक शर्मा हमारे रुझानपुर का? नहीं सर, मुझे तो याद नहीं आ रहा। लेकिन आपने अचानक इस आदमी का नाम क्यों लिया? सर, मैं 13 तारीख को रुझानपुर से निकला, पानीपत से मेरी ट्रेन थी रात को 11:30 बजे, और उसी रात रुझानपुर में ललित का मर्डर हुआ, 14 अक्टूबर की सुबह 1 से 3 के बीच। पता है तुझे? तब तो मैं वहाँ था ही नहीं सर,
मैं तो ट्रेन में था। बढ़िया बहाना है ट्रेन का। बहाना नहीं बना रहा हूँ सर, सच बोल रहा हूँ। सच बोलते वक्त मैं लोगों की आंखों में देखता हूँ आलोक। पानीपत में यहाँ हमारे ऑफिस में आ जाए, आंखें मिले, फिर बात करते हैं। ये जो सवाल आप मुझसे कर रहे हैं, ये सवाल कीड़ा बनकर मेरे दिमाग को भी खाए जा रहा है। कैसे कोई घर में घुसा, इतनी बुरी तरह भैया को मार डाला, और अम्मा, चंदर, निशा, किसी को भी कुछ पता नहीं चला। कोमल जी, ये जो कीड़ा आपके दिमाग को खा रहा है, दरअसल ये दिमाग बहुत कुछ जानता है, हमसे ज्यादा। तो प्लीज आप हमें बताइए कि इन तीनों ने आपके ललित भैया को क्यों मारा होगा, जमीन के लिए या फैक्ट्री के लिए? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता सर, लेकिन मैं सच कहती हूँ, मेरे दोनों भाइयों में कभी कोई अनबन नहीं हुई। तो फिर किसके साथ अनबन थी, निशा के साथ या आपकी भाभी सुधा के साथ? मुझे नहीं पता सर, आप ये सवाल मुझसे बार बार हजार बार भी पूछेंगे ना, तो भी मेरा यही जवाब होगा। हेलो मिस्टर दीपक भल्ला स्पीकिंग। CIA पानीपत से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गीता सिंह बोल रही हूँ। जी बोलिए। सुधा मलिक के काफ़ी करीब हैं आप? जी हाँ, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ, हम कलीग्स हैं। आप चंडीगढ़ में रहते हैं? अभी मैंने आपसे कहा कि हम लोग कलीग्स हैं, एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस चंडीगढ़ में है। आपने किस सिलसिले में कॉल किया है? ललित मलिक के मर्डर के सिलसिले में। जानते थे आप उन्हें? जी हाँ, सुधा ने अपने एक्स हस्बैंड के बारे में बताया था। मर्डर के वक्त वो एक्स हस्बैंड नहीं थे। मतलब वो दोनों काफी सालों से सेपरेटेड थे। दीपक जी, क्या ये इत्तेफाक है कि आप 12 से 15 अक्टूबर के बीच गोहाना में थे? जी हाँ बिल्कुल, गोहाना में था, लेकिन इसमें इत्तेफाक वाली क्या बात है? इत्तेफाक ये है कि गोहाना से रुझानपुर मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पर है। क्या कर रहे थे आप वहाँ? मैडम, मेरी वाइफ का मायका है गोहाना। ओह, तो आप मैरिड हैं, बस इतनी जानकारी चाहिए थी हमें, थैंक यू। हेलो, मैं CIA पानीपत से ASI गीता सिंह बोल रही हूँ। नेशनल पीपल्स बैंक चंडीगढ़ सेक्टर 18 की ब्रांच में मिस्टर दीपक भल्ला काम करते हैं। मुझे उनकी वाइफ की फैमिली की डिटेल्स चाहिए। उनका मायका गोहाना में है। पानीपत से पुलिस का फोन आया था। कैसे? आई मीन उन्हें तुम्हारे बारे में कैसे पता चला? तुम्हारे थ्रू पता चला होगा। अभी तो पूरी फैमिली की डिटेल्स निकलवा रहे होंगे, साथ ही इन लॉज की फैमिली की भी। किस तरह का कटर इस्तेमाल किया था तूने? काफी बारीक पतला सा रहा होगा, नहीं, जो दरवाजे के गैप से अंदर घुस गया। लिखा तो है 13 अक्टूबर पानीपत से दिल्ली, डिपार्चर 11:30। सर जी, मैं रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुंचा और वहां से वापी की ट्रेन ली ताकि मैं जल्द से जल्द पहुंच पाऊं। जल्द से जल्द? लेकिन 13 की रात को और 14 की सुबह तो तू यहीं था रुझानपुर में। तू ललित मलिक के घर गया, वहां ललित के मर्डर के वक्त कौन था तेरे साथ? पर मैं वहां गया ही नहीं सर, मैंने पानीपत से ट्रेन पकड़ी। हेलो, ललित के मर्डर के वक्त कौन था तेरे साथ? किसको साथ लेकर गया था तू? या खुद चंदर ने तेरे लिए दरवाजा खोला और तुझे घर के अंदर लिया और फिर हमें गुमराह करने के लिए कुंडी काटी गई? नहीं नहीं साहब, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैंने कोई मर्डर वर्डर नहीं किया है। मेरी वापी में नौकरी लगी है। पूरी जिंदगी तूने यहां गुजारी रुझानपुर में, और ठीक 13 अक्टूबर को तू नौकरी करने के लिए वापी चला गया? साहब, यहाँ मेरी हालत बहुत खस्ता थी साहब, इसलिए मेरे साले ने वहाँ कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री में मुझे काम दिलवा दिया। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं साहब, इसलिए नौकरी मेरे लिए बहुत जरूरी थी। ललित के मर्डर के लिए कितने पैसे लिए तूने या किसने दिए? चंदर ने या चंदर और निशा दोनों ने? क्या शांति देवी भी साजिश में शामिल थी? बोल साहब, मैं इन लोगों को जानता हूँ क्योंकि ये रुझानपुर के हैं, लेकिन मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। फिर ये लोग मुझे कोई भी काम करने के लिए पैसे क्यों देंगे? जितना मैं जानता हूँ साहब, ललित और चंदर भाई हैं, दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, फिर चंदर अपने भाई को अपने ही घर में क्यों मार डालेगा? कुछ नहीं सर, ये आलोक शर्मा सच बोल रहा है।
इसकी सारी डिटेल चेक की है। 13 अक्टूबर को इसका रुझानपुर छोड़ना केवल एक इत्तेफाक है। और सर दीपक भल्ला शादीशुदा है, सुधा से क्लोज है मगर इतना क्लोज नहीं कि अफेयर वगैरह का इशारा हो। लेकिन कत्ल वाली रात उसका क्राइम सीन से 20 मिनट की दूरी पर अपने ससुराल गोहाना में होना, उससे भी कोई एंगल नहीं बन रहा? नहीं सर, मेरे सोर्सेज के हिसाब से दीपक भल्ला की इन्वॉल्वमेंट इस केस में नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट उसका गोहाना अपने ससुराल में होना एक इत्तेफाक था। इस केस में हमारे सामने कई इत्तेफाक आ रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे सामने ऐसा एक भी इत्तेफाक नहीं आया जो हमें ललित मलिक के कातिल तक पहुंचा सके। तो क्या हम एक परफेक्ट मर्डर का सामना करें? क्योंकि क्राइम सीन पर कोई क्लू नहीं। जिस घर में कत्ल होता है उस वक्त घर में 3-3 लोग मौजूद थे, किसी ने कुछ देखा नहीं कुछ सुना नहीं। क्या ये कत्ल घर में से ही किसी ने किया? इंसर्ट जॉब। अगर तोड़ना है तो चंद्र को तोड़ते हैं सर, पर अगर सवाल वहीं के वहीं बने रहेंगे तो उसके जवाब कैसे बदलेंगे? फ्रैंकली सर, हमारे पास मलिक फैमिली के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं है। ठोस नहीं है लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस फैमिली की चार दीवारी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा। इस चंदर की अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करो, कुछ ना कुछ मिलेगा, जरूर मिलेगा। लगे पड़े खोज में, अभी तक तो कुछ हाथ नहीं आया। पैसे का क्या? पैसे मिल जाएंगे, मामला तो ठंडा हो। अम्मा निकल रहा हूँ। बेटा वो फैक्ट्री से शीतल का फोन आया था। वही जा रहा हूँ अम्मा, वहां से खेत पे चला जाऊंगा। सुनिए ये लीजिए आपका डब्बा। आज मेरा काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा है। अच्छा, शाम को रोटी भी तो खानी है ना, प्यार से पेट तो नहीं भरता है? तो दिल भी कहाँ भरता है, इतनी मुश्किल से मिला मुझे मेरा प्यार। बस कीजिए अभी आप, काम के लिए देर हो जाएगी, ठीक नहीं होगा। ओहो जा रहा हूँ। और गोविंद सेठ कैसे हो? एक महीने से एक केस है मेरे हाथ में, लेकिन खबर है कि चिड़िया फुर। ऐसा कौन सा बड़ा केस है भाई? वो रुझानपुर है ना पानीपत वाला, वहाँ पे एक ललित मलिक का मर्डर हुआ है। अरे वो मलिक परिवार, वो तो बड़े अजीब बंदे हैं यार। तू जानता है उन लोगों को? 4 साल पुरानी बात है, घर पे रडार लगाने का काम मिला था। क्यों? वो ललित मलिक का छोटा भाई नहीं है? चंदर मलिक। चंदर मलिक? अरे वो साहब लोगों के संदिग्ध लिस्ट में टॉप पे है। उसकी बीवी एक दिन घर से भाग गई थी। क्या बोल रहे हैं? हाँ 4 साल पुरानी बात है, साहब बोले तगड़ी टिप मिलेगी, पता कर घर में मांझरा गया। लेकिन उसी वक्त पानीपत वाले साहब का फोन आ गया, पुराने केस के लिए बुला लिया, तो वो काम छोड़ना पड़ा। तो ये चक्कर है। साहब ये खबर ढूंढ कर नहीं है, खुद अपने आप चल कर आई है मेरे पास एक दोस्त से। पता कर गोविंद, ये चंदर की बीवी निशा क्यों भागी थी? साहब वो दोस्त अपने लाइन का है, लेकिन उसने ये केस लिया नहीं था तो उस वक्त उसे पता नहीं होगा। ठीक है, तो घर की चार दीवारी के अंदर कुछ पक रहा था, सालों से पक रहा था। हमारे प्राइम सस्पेक्ट चंद्र मलिक की पत्नी निशा मलिक घर से भागी थी। एक प्रॉपर्टी का मामला नहीं लगता, अंदर का कुछ मामला है जो दबाया जा रहा है। गीता, चंद्र मलिक की पत्नी निशा मलिक बुलाओ उसे। सर। हेलो निशा जी, हमें आपसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? आप हमारे ऑफिस आ जाइए। पर बताइए तो किस बारे में? कुछ पूछना है आपसे, तुरंत आ जाइए। ठीक है। हाँ निशा बोल। उन्होंने बुलाया है। उन्होंने मतलब? पुलिस ने, पानीपत वाले ऑफिस में। अच्छा, कुछ बताया क्यों बुलाया उन्होंने? नहीं, बस कहा कि जल्दी से ऑफिस आ जाओ। सुनिए,
आप भी चलेंगे मेरे साथ? हाँ ठीक है, हम साथ में चलते हैं। तू टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए। तहकीकात अब तक कत्ल के मकसद को लेकर गोल गोल चक्कर काटे जा रही थी, बिना किसी सुराग के जो कातिल पर रोशनी डालता। क्या यह हत्या इस कदर परफेक्ट तरीके से की गई थी कि इन्वेस्टिगेशन के एक महीने के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे? क्या चंदर की पत्नी के 4 साल पहले भागने की खबर ललित मर्डर केस के खाली खाते में एक नया हिसाब जोड़ने वाली थी? निशा जी, आप 4 साल पहले इनके घर से भागी थी, क्यों? इनके बड़े भैया ललित के कारण? सही, आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरी तो इनसे शादी सिर्फ 2 साल पहले हुई है। 2 साल पहले जी? सर आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है, पर हमारे पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन है कि सर, जब 4 साल पहले मैं उस घर में थी ही नहीं, तो उस घर से भागूंगी क्यों? सर मैं आपकी गलत फहमी दूर करता हूँ। दरअसल ईशा से मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले जो मेरे घर से भागी थी वो मेरी पहली पत्नी थी। पहली पत्नी? लेकिन आपने कभी बताया नहीं कि निशा आपकी दूसरी पत्नी? सर मुझे जरूरी नहीं लगा, इसलिए नहीं बताया। तो आपकी पहली पत्नी 4 साल पहले आपके घर से क्यों भागी थी? लेकिन इस सब का ललित भैया के मर्डर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है या नहीं ये हम तय करेंगे। मिस्टर चंद्र मलिक, आप कहानी सुनाइए। सुनीता, सुनीता नाम था उसका, वो रेणुगंज गांव से थी, यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर पड़ता है। आपकी पहली पत्नी सुनीता 4 साल पहले आपके घर से क्यों भागी थी? अम्मा, एक कप चाय मेरे लिए बना लेना। सुनीता कहाँ है बेटा? सुबह से दिखी नहीं। पता नहीं अम्मा, कमरे में भी नहीं है। पापा जी, आपने सुनीता को देखा क्या? नहीं देखा। जिस वक्त मैं टहलने जा रहा था तब ये बाहर का दरवाजा खुला था। नहीं चंदर बेटा, यहां तो नहीं आई सुनीता। हाँ हाँ बेटा, मैं पता करता हूं। और बेटा तुम्हें कुछ पता चले तो हमें तुरंत फोन कर देना। हाँ बेटा। क्या हुआ बाबूजी? सुनीता कहीं चली गई है। चली गई? चंदर बता रहा था कि किसी को कुछ बोला नहीं, बस कहीं मिल नहीं रही है। वो अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी सर। तुम्हारे ललित भैया के कारण? नहीं नहीं, उनके कारण नहीं सर। इस वक्त सुनीता कहाँ? नहीं पता, और मैं पता करना भी नहीं चाहता। दरअसल हमारे बीच कुछ था ही नहीं। क्यों? पत्नी थी वो आपकी, शादी हुई थी। शादी? वो शादी शादी थी ही नहीं। गोल गोल बातें मत घुमाओ, सीधे सीधे बताओ माजरा क्या है। माजरा ये है सर कि सुनीता मेरी जिंदगी से जा चुकी और मैं निशा के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहा हूं, और आप लोग हैं कि गड़े मुर्दे को खाने पर तुले हुए हैं। क्योंकि आपके घर में मुर्दा मिला है। मिस्टर चंद्र मलिक, आपके घर में आपके बड़े भाई ललित मलिक की लाश मिली है। लेकिन सुनीता का ललित भैया के मर्डर से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये साबित करना हमारा और वकीलों का काम है, आपका नहीं। आपका काम है सच बोलना, जो कि आप पूरा नहीं बोल रहे। सच ही तो बोल रहा हूं सर, और सच ये है कि सुनीता मेरी जिंदगी में कोई मानी नहीं रखती सर। मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका हूँ। इतनी कड़वाहट क्यों थी जो आप अपने पास को भुलाना चाहते थे? बोले मिस्टर चंद्र मलिक, आपकी पहली पत्नी सुनीता और आपके बड़े भाई ललित के बीच में ऐसा क्या हुआ था? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, बस हमारे घर पर किसी मनहूस का साया पड़ गया था।
ललित भैया भी उन दिनों बुरे दौर से गुजर रहे थे। सुधा भाभी आशीष को लेकर चली गई थी और उनसे कोई कॉन्टैक्ट भी नहीं था। एक बार मिल तो ले लड़की से। बिल्कुल, ये बात तो मैं भी चंदर से कह रहा हूँ। अभी ललित तो दोबारा घर बसाने से रहा। चंदर बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है पापा, जैसा आप ठीक समझें। वैसे मुझे लगता है कि ललित भैया को अब दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। देखिए यार चंदर, मेरा दोबारा शादी करने का कोई इरादा नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल नहीं। मेरा पूरा ध्यान फैक्ट्री में है और मैं खुश हूँ। तो एक काम कर, लड़की देखा। आई है, आई है। आए जी कप्तान जी, आइए। नमस्ते चंद्र। आओ बेटा, आइए। सुनीता मुझे पहली नज़र में पसंद आ गई थी। मैंने तुरंत हाँ कह दी और फिर हमारी शादी हो गई। पर हमारी सुहाग रात मेरी ज़िंदगी की सबसे काली रात साबित हुई। मैं हमारे रिश्ते की शुरुआत एक झूठ से नहीं शुरू करना चाहती। झूठ? कैसा झूठ सुनीता? हमारी शादी का झूठ। मैं समझा नहीं, बात क्या है? दरअसल मैं आपसे शादी करना ही नहीं चाहती थी। तो फिर की क्यों? अपने माँ बाप से उनके मना कर दिया होता। मेरे घर में मेरा बोलना मना है, लेकिन फिर भी मैंने बोला था उनसे। किसी ने मेरी बात मानी नहीं और मेरी शादी आपसे ज़बरदस्ती करवा दी। सुनीता, तुम मुझसे अब ये सब बता रही हो? मतलब अब मैं क्या करूँ? आप शायद बुरे इंसान नहीं हैं, शायद बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे लिए पति आप कभी हो ही नहीं सकते। मैं आपको अपना पति कभी मान ही नहीं सकती। कोई और है क्या? हाँ, मैंने सिर्फ उसी से प्यार किया है आज तक। कहीं सुनीता का प्यार आपके ललित भैया तो नहीं थे? नहीं सर। और ये आप हर बात में ललित भैया का नाम क्यों जोड़ देते हैं? हमारे गाँव का है। तो दिक्कत क्या थी? वो दूसरी जात का है। पागल हो गई है तू? जानती नहीं गांव में क्या इज्जत है हमारी? अगर तूने उस सुजीत से शादी की तो सिर्फ हुक्का पानी बंद नहीं होगा, गांव निकाला भी हो जाएगा हमारा। शुक्र कर संध्या ने ऐन वक्त पर तुझे और उस दूसरी जात वाले सुजीत को देख लिया। अगर कोई गांव का देख लेता ना तो इस वक्त पूरा गांव होता यहां पर। मैं जात पात नहीं मानती हूं, प्यार करती हूं मैं सुजीत से। प्यार से कटे सर नहीं जुड़ते हैं सुनीता, प्यार से हमारा समाज उस वो सुजीत को कबूल नहीं करेगा। नहीं, हम कबूल करेंगे। हमने चंद्र को चुन लिया है तेरे लिए। और तेरी शादी चंद्र से ही होगी सुनीता। वो एक अच्छा लड़का है और ऊंचे खानदान से भी है। और अगर तूने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो एक साथ काट डालेंगे, तुझे भी और उस सुजीत को भी। मैं सुजीत से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसकी जान खतरे में नहीं ढाल सकती थी, इसलिए मैंने चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कह दी। सुनीता, तुमने सुजीत की जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। और हाँ, आप एक बात भूल रहे हैं, आपसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी भी तो बर्बाद कर दी है। गलत किया गजेंद्र जी, आप लोगों सरासर धोखा है। आपने अपनी लड़की हमारे गले बांध दी, जिसकी हरकतें आप खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मैं मानता हूं कि हमने
हमने ये बात आप लोगों से छिपाई। आप लोगों ने जानबूझकर हमारी आंखों में धूल झोंकी है। नहीं, 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 ललित जी बात सुन। जिया जी, मौसा जी, हम सब मानते हैं कि सुनीता कुछ समय के लिए बहक गई थी, लेकिन कुछ भी गलत होने से पहले हमने उसे सुधार दिया। अब वो आपके घर की बहू है। चंद्र जी, आपकी पत्नी मेरी बहन है। मैं आपको तसल्ली देता हूँ, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। आप लोगों ने गलत किया। अरे आप लोगों को बताना चाहिए था। मेरे भाई की जिंदगी का सवाल है। मैं फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, सुनीता को माफ कर दीजिए। वो आपके घर की बहू है। थोड़ा सा वक्त दीजिए उसे। कुछ ही दिनों में सुनीता ने घर की बहू होने का भार संभाल लिया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं बन पाई। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन 8 महीने के बाद ही एक दिन वो भाग गई। आपने ढूंढा उसे? मिली, लेकिन अपने मायके में नहीं। उसके पिता गजेंद्र और उसके भाई कमल ने जोर दिया कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं, तो मैंने कर दिया। फिर वो सुजीत के साथ चली गई थी, और उसके बाद तो सवाल ही नहीं उठता था कि मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बसर करूं। इसलिए सर, मैंने उसे तलाक दे दिया, और उसके 2 साल बाद मैंने निशा से शादी कर ली, और हम दोनों बहुत खुश हैं सर। एक और इत्तफाक, मलिक परिवार के दोनों बेटों की पहली बीवियां घर छोड़कर चली गई, पर इसमें ललित के मर्डर का कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है सर। सर, मुझे लगता है कि चंद्र मलिक ने अपनी पहली पत्नी के बारे में सब कुछ बताया नहीं है। सर, चंद्र बता रहा था कि उसने रुझानपुर पुलिस स्टेशन में सुनीता की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। हम एक काम करते हैं, हम वहां जाकर पता करते हैं कि उसकी बात में कितनी सच्चाई है। सर, हो सकता है इसमें ललित मलिक का कोई कनेक्शन निकला। पापा जी, अम्मा, भैया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं सुनीता को तलाक दे दूंगा। सही सोचा है, ये 8 महीने पहले कर देना चाहिए था। ये शादी होनी नहीं चाहिए थी। ललित जी, आप प्लीज अपने भाई को समझाइए ना। भाई, समझाने के लिए अब बचा क्या है? यही समझाइए कि वो मेरी बहन को तलाक ना दे। हम सब मानते हैं और जानते भी हैं कि सुनीता से गलती हुई है, हम मानते हैं, पर चंद्र जी पति है उसके, उनके पास वो लौट कर जरूर आएगी। ललित जी, कमल, मेरी बात मानो, सुनीता को वो करने दो जिसमें वो खुश रहे। चंद्र भी तलाक के बाद नई जिंदगी शुरू कर पाएगा, और रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी बात नहीं होती, जैसा तुम लोगों ने किया। अब अंजाम देख रहे हो भाई, सबको एक जिंदगी मिली है, सबको खुश रहने का आके। चंद्र, ललित भैया के सुनीता के साथ क्या ताल्लुकात थे? निशा, तुम भी मुझ पर शक कर रही हो? शक नहीं कर रही, बस इतना जानना चाहती हूँ कि ललित भैया ने ऐसा क्या किया था कि उन्हें ऐसे मार दिया गया। निशा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें जरूर बताता। नहीं आशु, तुम्हारे पापा बुरे आदमी नहीं थे, अच्छे थे। तो फिर आपने उन्हें क्यों छोड़ा? कभी कभार दो अच्छे लोग भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। उन्हें वहां गांव में रहना था और मुझे यहाँ चंडीगढ़ आना था। बीच का कोई रास्ता नहीं था, सो हम दोनों अलग हो गए। इसका मतलब ये नहीं बेटा कि वो गलत थे या मैं गलत थी, हम दोनों ही सही थे अपनी अपनी जगह पर। तो फिर वो मुझे कभी मिलने क्यों नहीं आए? ना आप मुझे उनसे मिलने ले गई। सुनीता मलिक की तस्वीरें हमने आसपास के थानों में और हमारे खबरियों को सर्कुलेट की थी। दरअसल सुनीता के घर वालों ने हमें एक टिप दी। सर जी, जैसे ही सुनीता के गायब होने की खबर आई ना, हमने उस सुजीत के घर जाके भी पूछा, वो भी उस दिन से ही गायब है जी। पूरे गांव में ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। ये सुजीत कौन है? तो फिर ये सुनीता आपको मिली कहाँ से? सुनीता और सुजीत दोनों जोधपुर में मिले। सुजीत, हमें पता है सुनीता मलिक तुम्हारे साथ ही है। आप इन पर हाथ नहीं उठा सकते, नहीं हाँ ना कहीं और, याद रखिए।
शादीशुदा औरत है तू सुनीता, अब तो शर्म कर ले थोड़ी सी। बहुत देर कर दी मैंने बेशरम होने में। ये झूठी शादी करने से तो अच्छा होता कि मैं पहले ही अपने सच्चे प्यार के साथ भाग जाती। चुप कर जा तू। सर देखिए मैं बालिग हूँ और अपने फैसले मैं खुद ले सकती हूँ। मुझे ना ही अपने मायके लौटना है और ना ही अपने ससुराल, और मैंने अपने लिए नया रास्ता भी ढूंढ लिया। मुझे सरकारी स्त्री निवास में जगह चाहिए और इन लोगों से सुरक्षा भी। ये क्या बक रही है तू सुनीता? सर ये मेरे पिताजी और मेरे भैया मुझे कभी भी मार सकते हैं, मुझे इन लोगों से प्लीज बचाइए। सुनीता के रिक्वेस्ट करने पर हमने उसकी लोकेशन खुफिया रखी, यहाँ के स्त्री निवास के बजाय रोहतक वाले सेंटर में भर्ती करवा दिया। फिलहाल सुनीता कहाँ है? जहाँ तक मुझे पता है एक साल के भीतर सुनीता वहां से निकल गई थी। सुनीता तुम्हें कुछ घंटे और इंतजार करना पड़ेगा, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। वैसे तुम जा कहाँ रही हो? मैं लौट रही हूँ मैडम, अपनी जिंदगी में, अपनी चुनी हुई जिंदगी में लौट रही हूँ। सुजीत के खिलाफ किडनैपिंग का कोई चार्ज नहीं बन रहा था इसलिए हमने उसे छोड़ दिया था। ये सुनीता के घर से भाग जाने में ललित की कोई भूमिका थी? चंदर का बड़ा भाई ललित? नहीं, सुनीता ने अपने स्टेटमेंट में ललित का कभी कोई जिक्र ही नहीं किया। उसके पति ने अपनी इच्छा से उसे तलाक दिया था और एक महीने के भीतर तलाक भी मिल गया था उन्हें, लेकिन इन सबके दौरान ललित की कभी कोई बात सामने नहीं आई। सर क्या ऐसा हुआ होगा कि ललित ने घर पे कुछ ऐसा किया हो जिससे चंदर को उस पर गुस्सा आया हो? गीता ऐसा कुछ अभी तक सामने तो नहीं आया है। इसका जवाब सिर्फ सुनीता ही दे सकती है। एक बार सुनीता की फैमिली से मिल ले, पूछते हैं कि वो कहाँ है। अब तो वो ही बता पाएगी कि उन 8 महीनों में उन 4 दीवारों के बीच क्या हुआ। चंदर? हाँ माँ। तेरे ललित भैया ने ऐसा क्या किया था? मैं समझा नहीं अम्मा। तेरे साथ ललित ने क्या किया था? अम्मा ये आप पूछ रही हैं मुझसे? ऐसी कोई बात है जो मुझसे छुपाई गई है? अम्मा आप अच्छी तरह से जानती हैं कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं छुपाया है, और आप मुझसे ही पूछ रही हैं कि मैंने भैया के साथ क्या किया है। और मैं आपसे पूछता हूँ अम्मा, मैंने भैया के साथ क्या किया था जो हर कोई मुझे इस निगाह से देख रहा है जैसे मैंने उनका कत्ल किया हो? मेरे और भैया के बीच में कोई अनबन नहीं थी, हम दोनों की जिंदगी में बस एक किस्म का भूचाल आया था और हम दोनों ने अपने तरीके से इसको निपट लिया। मुझे निशा मिल गई और भैया को फैक्ट्री में तरक्की। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था, पता नहीं किसका मनहूस साया पड़ गया। मनहूस साया नहीं अम्मा, अतीत का साया हो सकता है, भैया के अतीत का साया या फिर मेरे अतीत का। अम्मा हो सकता है कि भैया की जिंदगी का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसके बारे में हम ना जानते हो। अम्मा होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि इस सब में मेरा कोई हाथ नहीं है। भैया के मर्डर से जितना अनजान और हैरान आप दोनों हैं उतना ही मैं भी हूँ, और तब तक रहूँगा जब तक भैया का कातिल पकड़ा नहीं जाता है। अब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो पूरा रास्ता चलकर देखते हैं, चलकर देखते हैं कि आखिर ये रास्ता कहाँ जाकर मिलता है। पता करो सुनीता इस वक्त कहाँ है, सुनीता की फैमिली से ही बात करो। इस वक्त हमारा प्राइम सस्पेक्ट है चंदर मलिक, जिसका छुपा हुआ पास्ट हमारे सामने आया। वैसे उसका पास्ट अपने बड़े भाई ललित मलिक के पास से ज़्यादा अलग नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या एंगल बनता है। जी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हम पानीपत से आए हैं। कमल बाजवा? क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो जी? सर हमने सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं उसके साथ, हमें नहीं बताओ कहाँ है। आपका निजी हिसाब जो भी हो सुनीता के साथ वो आप जाने, हम एक मर्डर केस की तहकीकात कर रहे हैं जिसके सिलसिले में सुनीता से बात करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप लोगों को पता है कि वो कहाँ है मगर आप हमसे छिपा रहे हैं तो आप कानून तोड़ रहे हैं। अगर आपको उससे मिलने की इतनी पड़ी है तो ढूंढ लीजिए, इस घर में तो उसका नाम तक लेना मना है। जिस आदमी का मर्डर हुआ है ललित मलिक, वो सुनीता के जेठ थे, आपके रिश्तेदार। वो रिश्ता 4 साल पहले खत्म हो गया जी। देखिए जी, ना सुनीता से, ना चंद्र से, ना ललित से, ना उनसे जुड़े हुए किसी भी इंसान से हमारा कोई लेना देना नहीं।
और जिसको आप ढूंढ रहे हैं ना, वो आपको यहाँ नहीं मिले। अगर इतना पता है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा ये भी बता दो। मुझे नहीं पता सर। हाँ, पर उसे जरूर पता होगा जो प्लानिंग का उस्ताद है और दुनिया को दिखा रहा है कि मुझसे भोला तो कोई है ही नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? मैं चंद्र मलिक की बात कर रहा हूँ सर। चंद्र मलिक, क्या प्लान किया था उसने, बताओ मैं। ओए कमल, क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहा है? रहने दे बेटा, जाने दे इन्हें। ऐसे कैसे जाने दे गजेंद्र जी, अब तो हम जानकर ही रहेंगे। क्या आप लोग अभी तक जान नहीं पाए इस बात को? देखिए जी, मेरी बहन का भागना, चंद्र और सुनीता का तलाक, सब कुछ इस चंद्र की प्लानिंग थी। कमल, हमें खुलकर समझाओ, चंद्र ने इन सारी घटनाओं की प्लानिंग कैसे की थी? तुम्हारा कहने का मतलब ये है कमल कि सुनीता दरअसल घर से भागी ही नहीं थी? देखो जी, इतना बवाल मचा कि सुनीता भाग गई और एक महीने के अंदर तलाक भी हो गया। अब ये कोई तलाक हलवा पूरी तो नहीं है ना जी, कि भाई कढ़ाई से निकाला और परोस दिया। ये तलाक की तैयारी तो पहले से थी उनकी। नमस्ते। चंद्र जी हैं क्या घर पे? देख कमल, तलाक के कागजात पर मेरा और तेरी बहन के दस्तखत हो चुके हैं और कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया है। नहीं जिया जी, बात बताओ, सुनीता को जोधपुर से मिले 15 से 20 दिनों में, इतने दिनों में इतना सब कुछ हो गया, मतलब पहले से तैयारी कर रखी थी क्या तलाक की? भाई इतनी बात होने के बाद बाल की खाल खींचने का मतलब क्या है तेरा? नहीं ललित जी, मैं सच जानना चाहता हूँ भाई कि क्या सुनीता सच में भागी थी या ये आप लोगों का कोई ये ड्रामा रचा हुआ है ताकि उसे जो चाहिए वो मिले और आप भी अपनी मर्जी कर सके। क्या बेवकूफ वाली बात कर रहे हैं? नहीं, बेवकूफ तो बनाया गया है, सरेआम बेवकूफ बनाया गया है। पहले वो सुनीता भागी यहाँ से, फिर वो सुजीत भी भाग गया और दोनों के दोनों जोधपुर में मिले और इतना जल्दी तलाक भी हो गया। अब तो शायद वो दोनों शादी भी कर लें, क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं। आप लोगों ने ना साजिश रची है। अरे कौन सी साजिश पकड़ ली तूने? हाँ, कहना क्या चाहता तू? ये कि मैंने तेरी बहन और सुजीत को प्यार करने के लिए मजबूर किया, उसके बाद मैंने उससे शादी इसलिए की ताकि तुम्हारे चंगुल से आजाद हो सके, और फिर दोनों को मिलवाया और भागने मदद कर दी, यही कहना चाहता है तू? तो क्या ये सच नहीं है? दिमाग तो सही है तेरा। देख, तेरी बहन भागी थी बस, और वो खुद ही शादी को झूठ मानती थी। साजिश तो हुई है, और बहुत बड़ी साजिश हुई। ठीक नहीं कर रहे हो आप लोग। उस चंद्र ने ही साजिश रची थी जी, और अपनी साजिश में कामयाब भी हुआ, और इस ललित के मर्डर में भी ना उसी ने कोई साजिश रची हो। अब कुत्तों साढ़े को सब कुछ बक देगा। लेकिन चंद्र इतना महान काम क्यों करेगा कि वो अपनी उस पत्नी की मदद करेगा जो शादी को झूठ बोलती थी? मुझे नहीं पता सर, हमारी नाक कटी, जिल्लत हुई हमारी समाज में। मिलते ही चंद्र को मत दो भाई तलाक, एक महीने के अंदर तलाक हो गया। अब तो बता ही दो कि सुनीता कहाँ है, उससे बात करेंगे तभी पता चलेगा कि माजरा क्या है। वो गांव के किसी ने बताया था कि उन दोनों ने शादी कर ली है और वहीं बस गए जहां पकड़े गए थे, जोधपुर में। सर ये मामला कुछ उलझा उलझा सा नहीं लग रहा? उलझा हुआ तो है गीता। जो उलझा हुआ है उसे हम सुलझाएंगे। फिलहाल चंद्र मलिक को मत उठाना, पहले सुनीता और सुजीत तक पहुंचते हैं, जान लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या था। लगता है सर ये सुनीता सुजीत वाले एंगल में ललित मलिक मर्डर केस का बीज बोया गया होगा। सर एक बात रह रहकर जहन में आती है, चंद्र ने अचानक सुनीता की मदद क्यों की, इससे किसका फायदा हुआ? सुनीता जी, मैं ही हूँ सुनीता। क्या ललित भैया का मर्डर हो गया? लेकिन कब और कैसे? एक महीने के ऊपर हो गया। क्यों चौंक गई हो? इसलिए कि कत्ल हुआ है या इसलिए कि हम तुम दोनों तक इतनी देर में पहुंचे हैं? क्या आप कहना क्या चाहते हैं जी? हम कहना नहीं चाहते, हम पूछ रहे हैं ललित मलिक को क्यों मार डाला तुमने? देखिए, हम लोग पागल थोड़ी ना जो ऐसा कुछ करेंगे, और आप लोग भी हमें ऐसे नहीं लगते जो हमसे ये सब पूछेंगे और सोचेंगे ऐसा कुछ। देखिए, बड़ी मुश्किल से हम लोग अपनी शादीशुदा जिंदगी यहाँ शुरू कर पाए, फिर भला हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? ये तो तुम ही बता सकती हो सुनीता, चंद्र के घर में शादी के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्यों तुम उस घर से भागी और फिर ढूंढ ली गई,
और फिर झटपट डिवोर्स हो गया। इन सब बातों के पीछे की सच्चाई जानना चाहते हैं हम। सच वही है जो सब जानते थे, अम्मा जी, पापा जी, चंदर और ललित भैया। वो जानते थे कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ की गई थी और मैंने उन्हें अपना सारा सच भी बता दिया था। मैं वहाँ नहीं रह पा रही थी इसलिए मैं वहाँ से भाग गई, लेकिन मेरा वहाँ से भाग जाना मेरे लिए वरदान साबित हुआ। मैं सुजीत के पास आ गई और चंदर से भी मेरा तलाक हो गया। तो इस सब सच्चाई के पीछे नाटक कितना है? नाटक? कैसा नाटक? क्यों, चंदर के घर से भाग जाना नाटक नहीं था? चंदर ने तो खुद तुम्हारी मदद की थी उसमें, और फिर झटपट डिवोर्स, वो तो तुम दोनों के बीच में पहले से ही तय था ना। ये सब करके मेरा क्या फायदा होता? और वैसे भी ये नाटक मैं किसके लिए करती? अपनी फैमिली के लिए नहीं। और आप जो ये नाटक वगैरह की बातें कह रही हैं, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और चंदर खुद अच्छे से जानता था कि सुनीता की हर एक सांस घुट रही थी उस शादी से, उस घर से। और हाँ, आपकी एक बात सच है जो मैं मानती हूँ, मेरे भागने के पहले ही मेरे और चंदर के बीच में तलाक की बात तय हो चुकी थी, कागज पत्र की बातें भी शुरू हो चुकी थी। तुम्हारे भाई कमल को भी यही डाउट था, पर ये बात किसी और को नहीं पता थी। सुनीता, अब हमें ये बताओ, क्या ऐसी कोई और बात है जो अब तक किसी को नहीं पता? जी नहीं, ऐसी और कोई बात नहीं थी, बल्कि मुझे चंदर और उसके परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, ना ही मुझे उनसे कोई शिकायत थी। मेरे लिए वो शादी कोई शादी नहीं थी। चंदर, जब हम अलग होने ही वाले थे तो फिर ये पुलिस में जाने वाने की क्या जरूरत थी? पुलिस में कंप्लेंट का आइडिया मेरा नहीं था, तुम्हारे पिताजी और भाई का था। तुम तो बस चली गई, ना कुछ बताया, ना कोई मैसेज, ना कोई नोट। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, और मुझे कैसे मालूम पड़ता कि तुम सुजीत के पास गई हो? कम से कम मुझे बता के जाना चाहिए था। मैं जानती हूँ कि तलाक के पहले मुझे ऐसे भागना नहीं चाहिए था, लेकिन जो हो गया सो हो गया। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस वाकयात का ललित भैया के मर्डर के साथ क्या लेना देना है, जो आप लोग हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँच गए? क्या ललित ने तुम्हारी मदद की थी भागने में, इस वजह से चंद्र को गुस्सा आ गया ललित पर? ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि अलग होने का फैसला हम दोनों का था, मेरा और चंद्र का। बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो फिर हमें किसी तीसरे की मदद की क्या जरूरत थी? सर, मेरे भाई कमल ने आपसे ऐसा कहा था कि चंदर ये साजिश रच रहा है। हाँ, तो? दरअसल मेरा भाई इस तलाक के सख्त खिलाफ था, उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि मैंने खुद ही ये तलाक कैसे मांग लिया। पर कमल तलाक कितने खिलाफ में था? मेरे पापा ने बतौर दहेज और काफी पैसे दिए थे शादी में, काफी खर्च भी हुआ था। कमल चाहता था कि मैं चंदर से कह के वो पैसे वापस लौटा दूं मेरे पापा को। कमल भैया, आप यहाँ कैसे? तलाक की प्लानिंग पहले से कर रखी थी ना तुमने और चंदर ने। आप इस बीच में ना पड़े तो अच्छा ही होगा। क्यों ना पढ़ो, तुझे कुछ पता भी है कि हमारे कितने पैसे खर्च हुए थे तेरी और चंद्र की शादी में, कितना सारा दहेज दिया गया था? एक जबरदस्ती की शादी थी वो, झूठी शादी। लेकिन पैसे तो असली थे, गहने भी असली थे। लेकिन क्या वो पैसे पापा ने वापस मांगे क्या? उससे क्या फर्क पड़ता है, पैसे हमारे घर के थे। देख सुनीता, उस चंद्र को साफ साफ बोल देना कि वो सारे पैसे लौटा दे हमारे। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, बिना मांगे ही चंदर ने मुझे मेरी जिंदगी लौटा दी जो आप लोगों ने मुझसे छीन ली थी। क्योंकि दहेज के पैसे लौटाए नहीं जा रहे थे, इसीलिए शायद मेरा भाई ये साजिश वाजिश की कहानी बना रहा होगा। पैसे तो काफी खर्च हुए थे जो ना मेरे पास आने वाले थे ना उनके पास। मर्डर ललित मलिक का हुआ है और कच्चा चिट्ठा खुल रहा है चंदर और सुनीता की बिखरी हुई शादी का। कनेक्शन दोनों फैमिली का ही है, बात है शादी में दिए हुए पैसों के हिसाब की। अब कहीं ये हिसाब ललित का मर्डर करके तो नहीं चुकता किया गया? जी, नगद दिए थे बतौर दहेज। कितने? 15 लाख। तो कमल वाजवा आपसे ये पैसे वापस मांग रहा था? जी सर, वापस मांग रहा था। देख कमल, अच्छी तरह से समझ ले, मैं कोई पैसे वैसे वापस नहीं करने वाला हूँ। ऐसे थोड़ी ना होता है चंद्र जी, हमारी मेहनत की कमाई के पैसे हैं जो तुम्हें दिए थे हम सब ने। दिए थे ना, अब वो मेरे हैं।
देख कमल, तेरी बहन और मेरे बीच सहमति से तलाक हुआ था, मैंने कोई पैसे नहीं ऐठे थे, तो लौटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, ना इंसाफी है समझे? और मेरे साथ जो हुआ वो इंसाफ है? कमल एक बार सोच के देख, सुहागरात को अगर तेरी बीवी अपने प्रेमी के बारे में बात करे और तुझे अपना पति तक ना माने, कैसा लगेगा तुझे? लेकिन अब तो वो आपकी जिंदगी से निकल चुकी है ना, तो फिर आप उसकी तरफ से दिए हुए पैसे कैसे रख सकते हैं? क्योंकि तकलीफ हुई थी मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारे इस धोखे के कारण, उसी का हर जाना समझ और दोबारा इस बारे में बात मत करियो। पर वो उन पैसों का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है अभी तक, अब भी अपनी किस्मत आजमाता रहता है। क्या कमल आपके बड़े भाई ललित मलिक से भी पैसे मांगता रहता था? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जब तक पिताजी थे कमल उन्हें परेशान करता था पैसों के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि कमल ने तुमसे बदला लेने के लिए ललित का कत्ल कर दिया? अब सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ। क्या बकवास है ये, मेरा बेटा कमल उन लोगों से दहेज के पैसे वापस मांग रहा था? जी हाँ, आपकी बेटी सुनीता ने खुद हमसे ये बात कही और उसके एक्स हस्बैंड चंद्र ने भी हमें यही बताया। मैंने आज तक उन पैसों के बारे में एक लफ्ज तक नहीं कहा। सुनीता और चंद्र के तलाक के बाद मैं एक बार भी उस मलिक परिवार से मिला तक नहीं। सर 13 अक्टूबर की शाम से लेकर 14 अक्टूबर की सुबह तक कमल रोजानपुर के आसपास भी नहीं था। कॉल रिकॉर्ड्स में भी शक करने जैसा कुछ नहीं है। सुपारी किलर्स, इलाके के हिस्ट्री चीटर्स, हम सब स्कैन कर चुके हैं राइट? एक बार नहीं सर, कई बार किए हैं। जयदीप, गीता, ये कमल बाजवा वाला एंगल सही लग रहा। डर है तो सिर्फ इतना कि कहीं फिर से गोल गोल घूमकर हम उसी चौराहे पर ना पहुंच जाए। सर पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये कमल ललित मलिक को भी पैसों के लिए उसी तरह परेशान करता होगा जिस तरह से वो चंद्र को करता था, कप्तान मलिक को करता था। पैसे वापस नहीं मिले इसलिए हताश होकर उसने मलिक परिवार को ऐसा घाव दे दिया जो जिंदगी भर नहीं भर पाया। पनवारी जी एक बात पूछें? हाँ पूछिए। बलू एक बात बता, अगर तुझे पता है तो, वैसे पता तो तुझे होना चाहिए। साहब जी एक है गोपाल कौशिक और दूसरा है हरि सिंह। ललित मर्डर केस से कैसे जुड़ा है? साहब जी ये नहीं पता, दोनों के फोन नंबर निकलवाए हैं, इनकी बड़ी दोस्ती है आपके कमल बाजवा के साथ। नंबर दें दोनों का। सर दोनों के नंबर्स कमल की कॉल लिस्ट में कई बार नजर आते हैं, लेकिन 13 अक्टूबर की रात और 14 की सुबह के बीच इन दोनों के फोन की लोकेशन रुझानपुर में नहीं थी। पर कमल बाजवा, गोपाल कौशिक और हरि सिंह, इन तीनों के बीच काफी बातचीत होती रही है सर। पर क्या ये सिर्फ काफी बातचीत शक करने के लिए काफी है? सर ये कमल बाजवा, इसका एक ठोस मोटिव था, दहेज में दिए हुए 15 लाख जो वो बार बार मांग रहा था और मलिक परिवार देने से इनकार कर रहा था। भले ही कनेक्शन थोड़ा तिरछा है, लेकिन इस वक्त कमल बाजवा हमारा मुख्य संदिग्ध है और ये दोनों उसके खास दोस्त मालूम होते हैं। उठाओ दोनों। गोपाल कौशिक, हरि सिंह, तुम दोनों को यहां इसलिए लाया गया है क्योंकि तुम लोगों ने एक जुर्म किया। साहब गलत बता दिया आपको किसी ने। कमल बाजवा को जानते हो? दोस्त है ना तुम्हारा? हाँ दोस्त है, लेकिन इसमें गलत क्या है? गलत तो तब हो गया जब तुम दोनों के थोबड़े कैमरे में कैद हो गए, सीसीटीवी कैमरे में। हमें बहुत बाद में पता चला, बहुत बाद में ये बात पता चली कि रुझानपुर की एक दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ। 14 अक्टूबर
ललित मलिक के कत्ल के पहले और बाद में उस कैमरे की फुटेज में तुम दोनों साफ साफ दिखाई दे रहे हो। तुम दोनों जानबूझ के अपने मोबाइल फोन घर पे ही छोड़ के गए ताकि हम फोन की लोकेशन को ट्रैक करके तुम दोनों को ट्रैक ना कर पाए। अच्छा हाँ भाई, तुम दोनों अपने अपने फोन घर छोड़ देना भाई। तो भाई तुमसे बात करनी होगी, किस तरह करेंगे बात? फोन वोन पे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन तुम्हारे साथ रहेगा ना तो रिकॉर्ड रहेगा पुलिस के पास कि फलाना फलाना इसी जगह मौजूद था, समझे? हम लोग तो कल मिल लेंगे। दरअसल कोई सीसीटीवी फुटेज थी ही नहीं, ये पुलिस ने चाल चली थी दोनों संदिग्धों को फंसाने के लिए और दोनों बुरे फंसे। क्यों, अब तक सही जा रहा हूं? हो गया ना? हाँ भाई, एकदम मक्खन की तरह। जब हम अंदर घुसे कोई उठा ही नहीं, जब काम हो गया तब भी कोई नहीं उठा। ठीक से चेक कर लिया था ना, मर गया था ना सड़ा। अरे इतने बार किए ना, जम के हाथी होता वो मर जाता। सब कुछ बिल्कुल मक्खन की तरह हुआ। हम बिना किसी शोर के अंदर दाखिल हुए, पहला कमरा ही उसका निकला और चक्कू बड़ा कमाल का था, साफ 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 अंदर घुस गया। कंबल कहाँ? कंबल उधर नहर में फेंक दिया। और छुरा कहाँ? छुरा छुरा पीछे खेत में गाड़ दिया मैंने। बढ़िया किया। अच्छा भाई, एक हफ्ते तक ना तुम्हारी सारी पेमेंट हो जाएगी, तब तक ना भाई चुपचाप अंदर घुस के बैठ जाओ। और सुनो भाई, पी पा के बक बक मत देना किसी के सामने, ठीक है? पर ठीक है, चलते हैं। चलो चलो। तुम लोगों को ये पता ही नहीं था कि कमल ललित को क्यों मरवाना चाहता है। उसने तुम्हें पैसे देने का वादा किया और तुम दोनों ने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी। जिंदगी साहब वैसी खस्ता चल रही थी हमारी, पैसे थे नहीं, पैसे की लत पड़ी हुई थी। ऊपर से दोस्त है हमारा, उसके दिल में काफी टाइम से खुंदक थी। अरे लेकिन खुंदक क्यों थी ये पता लगाने की कोशिश की? कमल ने तुम्हें कहा कि जाके ललित मलिक को मार दो और तुम दोनों ने उसका मर्डर कर दिया। साहब बहुत ही बड़ी गलती हो गई उनसे। गलती नहीं, जुर्म, कत्ल किया तुम दोनों ने, और इस कत्ल का मास्टरमाइंड कमल वाजवा, तुम तीनों को बराबर सजा मिलेगी। नहीं साहब, वो गलती उधर मारने में हुई थी। मारने में गलती मतलब? है जी, सुना आपने, रुझानपुर वाले ललित मलिक का मर्डर हो गया। क्या बात कर रही है रजनी? ओ साड़ो, किसको मार दिया तुम दोनों ने? किसको मतलब? उसी को जिसको तुमने बोला था, चंदर मलिक, तुम्हारी बहन सुनीता का पहला पति। वो तुम्हारा गुडलक था जो अकेला मिला कमरे में। हमारा गुडलक खोटा था साड़ो, तुमने चंद्र मलिक को नहीं उसके बड़े भाई ललित को मार दिया। बेवकूफ हो तुम, ये देखो, ये देख, फोटो देख, फोटो भी दिखाया था यार तुम दोनों को। बहुत अंधेरा हो रहा था और सोता देखा, फिर सोचा यही है।
टाइम नहीं था यार, जैसे देखा मैंने कंबल डाल दी थी उस पे। तुरंत मैंने घुसेड़ दिया फिर। वाह रे चौधरी, तुरंत घुसेड़ दिया तन्ने। अरे कम से कम मारने से पहले चेहरा तो देख लेते यार। जिसको मारना था वो चंद्र मलिक, वो जिंदा घूम रहा है। तुम दोनों की वजह से ना सारा काम बिगड़ गया मेरा। तो मतलब कमल वाजवा ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था चंद्र मलिक को, और तुम लोगों ने गलती से ललित मलिक को मार दिया? हाँ साहब। अब कमल भाई ने हमें सिर्फ इतना बताया था कि चंद्र का उनकी बहन के साथ तलाक हो गया। हमें ये थोड़ी ना पता था कि उसकी वापस से शादी भी हो गई है। हमें लगा यही घर है, अकेला सोया हुआ है, यही बंदा होगा। अब मारने के पहले एक बार भी हमने चेहरा नहीं देखा उसका। सर जी, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता, इसे जरूर किसी ने फंसाया है। सर डालो इसे अंदर। आपके बड़े भाई ललित का कत्ल उन्हीं 15 लाख रुपयों के लिए हुआ जो आपने सुनीता के पिता गजेंद्र से बतौर दहेज लिए थे, और सुनीता के साथ तलाक के बाद भी आप वो पैसे लौटा नहीं रहे थे। लेकिन सर, इस सब से ललित भैया का क्या ताल्लुक था? चंद्र दरअसल हत्यारे आपका कत्ल करने आए थे, और गलती से उन्होंने आपके बड़े भाई ललित को मार दिया। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं बेटा, फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ खाने को लेती हूँ। क्या हुआ सुनीता? पुलिस का फोन आया था, उन्होंने बताया कि ललित भैया का खून कमल भैया ने करवाया। उन 15 लाख रुपए के लिए? हाँ, लेकिन कमल भैया ने हत्यारों को चंद्र को मारने के पैसे दिए थे। क्या? और गलती से उन्होंने। बड़ी विचित्र सी बात थी कि उस रात को घर के किसी भी सदस्य ने दरवाजे को तोड़कर खोले जाने की और फिर ललित को उसके कमरे में छुरे से मार डाले जाने की कोई आवाज नहीं सुनी। कमल बाजवा, गोपाल कौशिक और हरी सिंह को आईपीसी की धारा 302 के तहत कत्ल करने के लिए, धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए, धारा 34 के तहत कॉमन इंटेंशन के लिए और आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। किराए के हत्यारे गोपाल और हरी को उस खेत पर ले जाया गया जहां पर उन्होंने मर्डर वेपन को दफन किया था। वो छुरा पुलिस की कस्टडी में है और कोर्ट में जुर्म साबित करने में अहम भूमिका निभाएगा। क्राइम पेट्रोल इस केस की इन्वेस्टिगेटिंग टीम को सैल्यूट करता है जिन्होंने कानून की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसे एंगल के ऐसे अतीत में ले गए जो जाहिर तौर पर ललित मलिक के मर्डर केस से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं लग रहा था, पर आखिरकार हिसाब जुड़ ही गया और साबित हो गया कि ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी मर्डर केस है। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।